या नीरज कुमार जो मंत्री भौंकते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये दरभंगा जिला का, दरभंगा प्रमंडल का ये नगर निगम का एरिया है और दाहिने साइड जो आप देख रहे हैं ये रूरल एरिया है। यहाँ पे बीआरसी भवन है, अति पिछड़ा कल्याण विद्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है। इस सड़क पे 3 फीट पानी लगा हुआ है। किस चीज़ का इन्होंने विकास किया? दरभंगा के माध्यम से सीधा लाइव सदर प्रखंड से मुर्दाबाद सील मोदी मुर्दाबाद नगर विधायक संजय सराफ भी मुर्दाबाद रोड पर क्या पानी जल जमाव हटाना होगा नीतीश कुमार। देखिए जिस तरह से 15 साल के शासन काल में बिहार सरकार के द्वारा जो झूठा आंकड़ा पेश किया गया, डबल इंजन के सरकार के द्वारा, यह बिहार के दरभंगा जिला का, दरभंगा प्रमंडल का सदर प्रखंड पे अभी हम बैठे हुए हैं। हमेशा सरकार के द्वारा अभी कोरोना वायरस में प्रवासी मजदूर को ठगने का काम किया, उसके बाद अभी बारिश भी नहीं हुआ, जिस तरह से छोटा मोटा बारिश होने के बावजूद पूरा दरभंगा शहर जलमग्न हो चुका है और सरकारी कार्यालय जब जलमग्न हो चुका है तो आम और आवाम का क्या हालात होगा। तो इसी के खिलाफ हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार की जो डबल इंजन की निकम्मी सरकार है उससे बिहार नहीं चल रही है। अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पे हम लोगों ने दरभंगा जिला में अपना ठान लिया है कि विकास करके रहूंगा और सरकार के विरोध में रहूंगा हमेशा। संजय सराफी यहाँ के विधायक हैं, उनके बारे में देखिए, जिस तरह से संजय सराफी ने ढोंग रच करके जीतने का काम करता है, ये दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का कभी, ये दरभंगा शहर का वार्ड नंबर 17 है, दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का। मैं बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने 15 साल के अंदर में किसी भी तरह का विकास नहीं करने का काम किया, सिर्फ मीडिया के अंदर में जा करके बोलने का काम किया कि मैं ये विकास करा, वो विकास करा। आप देख लीजिए कि बगल में ये रूरल एरिया है, सदर प्रखंड है जो कि जिला का सबसे मेन प्रखंड माना जाता है। पूरा ब्लॉक डूबा हुआ है, पूरा जो है मनरेगा भवन डूबा हुआ है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, कल्याण छात्रावास का जो विद्यालय है, बालिका विद्यालय, वह डूबा हुआ है, तमाम चीज़ों। तो हम लोगों ने मन बनाया है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार नहीं संभल रही है, इसके लिए अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पे हम लोग खुद कमान थाम लिए हैं और हम लोग बिहार को संभालने का काम करेंगे।